उत्तेजित भी हुए, लेकिन प्रधानमंत्री का कारवां रुका नहीं। प्रधानमंत्री लगातार जो है वो सदन के भीतर बोलते रहे, और एक तरफ जहां उन्होंने सरकार की तमाम उपलब्धियों का जिक्र किया, तमाम लोगों को पक्का मकान देने का वायदा किया, वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आज हिंदुस्तान जो है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का हब बन चुका है। और एक ज़माना था जब देश में मोबाइल बनता नहीं था, हमारी डिपेंडेंसी जो थी वो दूसरे मुल्कों पर थी। आज हिंदुस्तान जो है न सिर्फ मोबाइल का निर्माण कर रहा है, बल्कि दूसरे देशों में भारत के मोबाइल जो हैं वो एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, उसको भेजा भी जा रहा है, उसको बेचा भी जा रहा है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जो तरक्की की जो इबारत है उसको कैसे 50 साल में लिखा गया, इस पर उन्होंने खासा फोकस किया। और प्रधानमंत्री ये कहना भी नहीं भूले कि कैसे उन्होंने कोरोना काल में फेडरल स्ट्रक्चर को भी मजबूत किया, और कहा कि शायद ये पहला मौका होगा जब किसी प्रधानमंत्री को अपने एक कार्यकाल में 23 बार राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करने का मौका मिला। राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ 23 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बैठक हुई, उस बैठक का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि राज्य और केंद्र दोनों ने मिलकर काम किया और हम कोरोना को हराने में कामयाब हुए। ये कहीं ना कहीं जो हिंदुस्तान का फेडरल स्ट्रक्चर है उसको मजबूत करता हुआ दिखाई पड़ता है। बिल्कुल, फेडरल स्ट्रक्चर और किस तरह से एक तुलनात्मक खाका उन्होंने पेश किया प्रधानमंत्री ने, कि किस तरह से पहले जो नहीं हो पाया था अब किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और जो गलत नीतियां थी उनका कितना दुष्प्रभाव पड़ रहा है, ये भी उन्होंने रखा। राजेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लिए जारी घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भाजपा के संकल्प पत्र को जारी किया। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और पार्टी के सह प्रभारी अनुराग सिंह ठाकुर मौजूद थे। संकल्प पत्र में भाजपा ने आने वाले 5 सालों में हर किसान को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली मिलेगी, साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत पार्टी ने 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में देने का वायदा भी किया है। और इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर गन्ना किसानों को 14 दिन के अंदर उनका भुगतान नहीं होता तो इस सिलसिले में हम कानून बनाएंगे और देरी होने पर ब्याज के साथ चीनी मिलों को गन्ना किसानों का भुगतान करना होगा। हमने वादा किया था कि गन्ना किसानों को हम भुगतान करेंगे 1,49,000 करोड़ का भुगतान हमने किसानों का किया है। हर गन्ना किसान स्वीकार करेगा, एक भी गन्ना मिल भी बंद नहीं हुई है और हमें समय पर पैसा मिल रहा है। फिर भी कई किसानों को 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं मिलता है। हम कानूनन स्थिति ऐसी करेंगे कि 14 दिन से ज्यादा अगर भुगतान करने में होता है तो उसका सूद चीनी मिल को किसान को देना पड़ेगा और किसान को सूद के साथ उसका पैसा मिलेगा। भाजपा नेता अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि 2017 में किए गए 212 संकल्पों में से भाजपा ने 92% संकल्पों को पूरा किया, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नए संकल्पों को पूरा करके दिखाएगी। 17 के संकल्प पत्र में 212 संकल्प थे, उसमें से 92% संकल्प को आज हम समाप्त करने के बाद फिर से आपके सामने हमारा संकल्प पत्र लेकर आए। ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति है कि हम जो कहते हैं वो हम करते हैं, और हम कहते हैं वो करते की नीति के कारण ही हर प्रदेश के अंदर बार 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 भारतीय जनता पार्टी को फिर से मैंडेट मिला है। मुझे पूरा विश्वास है ये घोषणा पत्र, ये संकल्प पत्र घोषित होने के बाद हमारे संकल्पों पर उत्तर प्रदेश की महान जनता विश्वास करेगी, योगी जी के नेतृत्व पर विश्वास करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल विकास के साल रहे हैं और ये भविष्य की नींव रखने में सहायक होंगे। और मित्रों, आज मैं बड़े संतोष के साथ कह सकता हूं कि 5 साल उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र में विकास के 5 साल रहे हैं। ये 5 साल हर क्षेत्र में उपलब्धियों के 5 साल रहे हैं और ये 5 साल उत्तर प्रदेश के भविष्य की नींव डालने वाले 5 साल रहे। 5 साल के अंदर हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजनीति को
अपराधीकरण से संपूर्ण मुक्त करने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा ने पिछली बार संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे उन्हें पूरा किया है और साथ ही इस बार जो हम वायदे कर रहे हैं उन्हें भी पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे उन संकल्पों को मंत्र मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने उपस्थित। और सीधे आपको गोवा ले चलते हैं जहां पर बीजेपी अपना संकल्प पत्र जारी कर रही है। दूसरा संकल्प है पहले प्रत्येक गोयकारा खातीर घर एक अफोर्डेबल हाउसिंग आमच्या गोयच्या गृहिणीच्या नावार हे घर असचे आणि त्याच्या खातीर तांच्या नावार जे लोन असतले ते फक्त 2% लोन गव्हर्नमेंट दितलो हो एक आम्ही दुसरो संकल्प तुमच्या मुखार दवरतो। सामान्य मनसाचे सरकार खंय तरी सामान्य मनशाक नजरेसमोर दवरून हो संकल्प पत्र तयार केला आणि ताका लागून आम्ही कटिबद्ध असा की येणाऱ्या काळात डिझेल आणि पेट्रोल हाचेर टॅक्स हो सेम उरतलो कांयच वाड जावची ना जाल्यार ती कमीच जातली पूण वाड जावची ना हो आमचो कमिटमेंट आसा आनी कमिटमेंट हो आमी पुराय करून दाखयतले कित्याक आमी पयलीं बी जेन्ना सांगिल्लें तेन्ना आमी कमिटमेंट पेट्रोला वयलो पुराय करून दाखयलो। सर्वासाठी आरामदायी जीवन एनहान्सिंग इज ऑफ लिव्हींग फॉर ऑल मनोहर पर्रीकर कल्याण निधी मी खंय तरी आमचे लोकल बॉडीज ज्यो आसता म्युनिसिपालिटी आसता पंचायत आसता तांकां बारीक सारीक कामां करपा खातीर हो फंड अवेलेबल करून दिलो वतलो। प्रत्येक पंचायतीक 3 कोटी आनी प्रत्येक नगरपालिकेक आनी महानगरपालिकेक 5 कोटी पर्यंत हो फंड सरकार वितरीत करतले। वैशिश्टपूर्ण गोवर्तकीक पर्यटन युनीक गोवन ट्युरिजम हो एक अत्यंत म्हत्वाचो आमी प्रकल्प हातांत घेता म्हणजे खंय तरी गोंयचे ट्युरिजमाक गोंयचो टच दिवप। आतांच परच्या बजेटान वायब्रंट विलेज स्कीम लॉन्च केल्या तातूंत आमी होम स्टेज आनी तांकां प्रशिक्षण दिवन एक अत्यंत गोंयचो फ्लेवर ट्युरिजमाक हाडपाक सोदता आनी ह्या योजने मार्फत हो तयार जातलो। एम्पावरिंग द फ्युचर ऑफ गोवा म्हणजे आमच्या युवा खातीर सरकार नोकऱ्यो दिवपाक कटिबद्ध आसा आनी खंय तरी लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावचो आमच्या इंडस्ट्रीनी आमच्या बाकीच्या आस्थापनांत लोकल सगळ्या कामाक लागचे हाच्या खातीर 5,000 पर्यंत जो म्हयन्याचो ईपीएफाचो कॉन्ट्रिब्युशन आसा हो सरकार पे करतले ताका लागून एनकरेजमेंट फॉर लोकल एम्प्लॉयमेंट हाज्या मार्फत जातलो। गोंय एक परिपूर्ण पर्यटन स्थळ म्हणजे खंय तरी गोंयांत कंप्लीट ट्युरिजम डेस्टिनेशन करप गोंयांत खंयचोय ट्युरिस्ट म्हणजे तातूंत एडवेंचर ट्युरिजम आयलें तातूंत कॅम्प सायट्स आयल्यो तातूंत इनलँड ट्युरिजम आयलें फक्त कोस्टल एरिया खातीर न्ही पूण भितर पर्यंत आमचें ट्युरिजम पावपाक जाय आमचे वैद्यकीय ट्युरिजम आयले मेडिकल ट्युरिजम आयलो तातूंत हेरिटेज आनी स्पिरिच्युअल ट्युरिजम आयलें। गोंयांत कितलीशींच स्थळां आसा जाका लागून गोंय फेमस आसा आनी सगळीं स्थळां विकसीत करून आनी बरे तरेन विकसीत करून गोंयचो फ्लेवर एड करून हें सगळें एक परिपूर्ण ट्युरिजम योजना करपाचें थारायलां। गोंयां आशियांतलें मायस कॅपिटल करपाचें म्हणजे खंय तरी हांगा जगभरांत व्हडलीं व्हडलीं कॉन्फरन्सां जातात मिटिंगो जाता 4,000-5,000 तातूंत प्रोफेशनल्स व्हडले व्हडले हाय एंड ट्युरिस्ट पार्टिसिपेट जाता हाय एंड प्रोफेशनल्स पार्टिसिपेट जाता ते सगळें गोंयांत ओडून हाडपाचें आनी गोंयचे ट्युरिजम इंडस्ट्रीक एक अत्यंत वेगळ्या स्तरार व्हरून दवरपाचें हें एक इम्पॉर्टंट पावल आसा म्हणजे गोंयांत। तो गोवा का संकल्प पत्र जारी किया जा रहा है और वरिष्ठ नेता बीजेपी के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने ये संकल्प पत्र वहाँ पर जारी किया है जिसमें वाइब्रेंट विलेज टूरिज्म और बहुत से जो युवा हैं उनको रोज़गार की बात की गई है। हमारे संवाददाता रामेंद्र हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं क्योंकि आज यूपी का भी संकल्प पत्र जारी किया गया है और उत्तर प्रदेश में संकल्प पत्र में क्या कुछ खास बातें की गई हैं वो रामेंद्र हमें बताएंगे। रामेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामेंद्र अगर यूपी के संकल्प पत्र की बात करते हैं गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो करती है वो करके दिखाती है जो पहले 212 संकल्प लिए गए थे 92% उसमें से पूरे किए गए और उसी की बदौलत है कि बीजेपी लगातार जीत हासिल की जा रही है। आज का जो संकल्प पत्र है किस तरह के संकल्पों की बात करता है? देखिए
रामेंद्र आप हमें सुन पा रहे हैं? तो जो गृह मंत्री जी ने संकल्प पत्र जारी किया उसमें भरोसा जताया कि हमने जो पिछले संकल्प पत्र जारी किए थे उनको हमने पूरा किया, मुख्यमंत्री ने भी कहा और ये जमीन पर दिखा है। आज उन्होंने जो संकल्प पत्र जारी किया उसमें महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जैसे पांच इस अगली सरकार में जो किसानों की बिजली है वो फ्री दी जाएगी। जी मुझे आपकी आवाज मिल रही है, हेलो चेक 1 2 3 जी बताएं रामेंद्र बताएं, हम आपको सुन पा रहे हैं। बिल्कुल रमा जी बीच में आवाज कट रही है, लेकिन जो संकल्प पत्र आज जारी किया गया है उसका मूल उद्देश्य है कि किसानों के लिए हम जो काम करने जा रहे हैं 5 साल में हम फ्री बिजली देंगे, जो जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है उसको लगाएंगे जिससे कि जो वैल्यू है वो एडिशन की जा सके, जो किसानों का सस्ती चीजें बिकती हैं वो ना बिके, उसके अलावा आलू प्याज जैसी जो सब्जियां हैं जो खराब हो जाती हैं कम समय में उनके भंडारण के लिए व्यवस्था करेंगे। ये यहाँ से शुरू हुआ सफर और महिलाओं युवाओं से होकर के जमीन तक पहुँचता है। उन्होंने कहा कि जो महिलाएं हैं उनका पेंशन बढ़ाया जाएगा, जो छात्राएं हैं उनको स्कूटी फ्री दी जाएगी, जो और युवा हैं उनके रोजगार की व्यवस्था की जाएगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया उससे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ेगा। तो बेसिकली ये जो फोकस है वो रिमोट इकोनॉमी पर ज्यादा दिख रहा है कि हमारा किसान मजबूत हो, हमारे गांव मजबूत हो, हमारे युवा मजबूत हो, हमारे शहरों से जो जाने वाले रास्ते हैं छोटे छोटे शहरों के लिए वो मजबूत हो, तो इस सारी चीजों पर ध्यान रखा गया है। और ये संकल्प पत्र धरातल पर आए तो उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदलती हुई दिखेगी रमा जी। बिल्कुल रामेंद्र, अगर संकल्प पत्र की हम मुख्य बातों को देखते हैं तो किसानों की बात की गई है, महिलाओं की बात की गई है, युवाओं की बात की गई है, हाशरे पर खड़े व्यक्ति की बात की गई है। इसके साथ ही बात ये भी की है कि किस तरह से आने वाले सालों में नंबर एक प्रदेश यूपी को बनाया जाएगा, किस तरह से आत्मनिर्भर यूपी को बनाया जाएगा और किस तरह से इस दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। देखिए ये बात उन्होंने कही कि हमको उत्तर प्रदेश की जो इकोनॉमी है उसको जो नंबर 2 पर है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो नंबर 2 पर है इसको 1 नंबर पर ले जाएंगे। और उन्होंने उससे आगे कहा कि जैसे हम 1 नंबर पर इस पूरे इकोनॉमी को ले जाते हैं लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, नौकरी के अवसर बढ़ेंगे पूरी इकोनॉमी में। वो चाहते हैं कि जो सामान्य आदमी उसकी जेब में भी पैसा जाए, तो एमएसएमई सेक्टर में हमने काम किया उसका लाभ मिलेगा जो पूरी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो इस तरीके से लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे, नौकरी के अवसर मिलेंगे और इकोनॉमी बढ़ेगी तो पूरे प्रदेश के हर व्यक्ति की जो आय है वो बढ़ेगी, इस पर उन्होंने फोकस किया है। रमा जी रामेंद्र बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता रामेंद्र जो लखनऊ से जानकारी दे रहे थे यूपी के बीजेपी के संकल्प पत्र के बारे में। और अब बात कर लेते हैं ताजा खबर की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे जन चौपाल कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश में रामपुर, बदायूं और संभल के मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दिन के 2 बजे उत्तराखंड में ऊधम सिंह नगर और नैनीताल के मतदाताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। नैनीताल जिले के 6 और ऊधम सिंह नगर के 9 विधानसभा क्षेत्रों के 59 स्थानों पर LED स्क्रीन लगाई गई है। हर जगह 1000 कार्यकर्ता एवं जनता वहां मौजूद रहेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का आज पंजाब की जनता को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री आज करीब 3:30 बजे पंजाब में फिरोजपुर और लुधियाना के मतदाताओं को भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करेंगे। आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज भाजपा और उसके सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल संयुक्त ने आज चंडीगढ़ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद कृषि की उत्पादकता की जगह लाभकारी खेती किस तरह से होती है इस बारे में सोचना शुरू किया है। 2014 में सरकार में आने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी ने एक पैराडाइम शिफ्ट to look towards the agriculture sector, the farm sector, कि हम production centric approach से बदल करके profit centric approach की कृषि की उत्पादकता के बजाय हम कृषि की profit की तरफ उसके
लाभकारी खेती किस तरह से होती है, इस दृष्टिकोण से हम सोचना प्रारंभ करें। सरकार ने पिछले 7 साल में उसी दृष्टिकोण से काम किया है। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा गोवा में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज गोवा में मुर्दा फातोर्दा और नवलिम में दो जनसभाओं को संबोधित करेंगे। गोवा में 40 सदस्य विधानसभा के लिए 14 फरवरी को एक चरण में मतदान होना है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ लखनऊ में प्रेसवार्ता की। प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने समाजवादी पार्टी को जिताने की अपील की, साथ ही उन्होंने कहा कि वे 3 मार्च को वाराणसी का दौरा करेंगे। यूपी में यही बात कहने के लिए आई हुए है। अभी तो 10 तारीख का चुनाव वेस्टर्न यूपी का है, बाद में और सारे जगह में है। हर चुनाव में आप इकट्ठा होकर आप समाजवादी पार्टी को जिताइए और बीजेपी को हराइए, ये बात कहने के लिए मैं लखनऊ में आई हुई है। फिर 3 तारीख को हम वाराणसी में भी आएंगे। मैं यूपी में कॉन्टेस्ट नहीं कर रहा है, इसी के लिए नहीं कर रहा है कि आज बड़ा लड़ाई है। देश को अगर बीजेपी से बचाना है तो हमारा जो भाई इधर में लड़ाई करता है अखिलेश यादव, उसको सपोर्ट करना। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आगामी चुनाव में भाजपा के लिए मुश्किलें आने वाली हैं और इस बार झूठ के सहारे भाजपा जीत हासिल नहीं कर पाएगी। कल आदरणीय दीदी बंगाल से उड़कर के उत्तर प्रदेश आ गई, लखनऊ आ गई, लेकिन दिल्ली वाले यूपी नहीं आ पाए। कहा कि मौसम खराब है। सच में भाजपा वालों के लिए यूपी में मौसम खराब है। दीदी के आने से तो भाजपा के संकट के बादल और भी गहरा गए हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का झूठ का जहाज उत्तर प्रदेश में नहीं उतर पाएगा। हमारे साथ आदरणीय दीदी को देख करके भाजपा को पश्चिम बंगाल की हार याद आ गई होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि आदरणीय दीदी जी के आने के बाद 10 मार्च को जीत की खुशी में जीत का रसगुल्ला हम सब लोग मिलकर के खाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मेरठ के हस्तिनापुर में जनसंपर्क अभियान के तहत डोर टू डोर कैंपेन किया। प्रियंका गांधी ने हस्तिनापुर की कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना गौतम के पक्ष में घर घर जाकर जनसंपर्क वो कर रही हैं। और मीडिया प्राइम में यहां लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नींबू पानी लेगा, अरे कोई अजवाइन लाओ। अरे ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो ये एसिडिटी पे काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर जब पैर तले से दिन गुजरे सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भोलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मीडिया प्राइम में और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर।
केंद्र सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा पिछले दिनों मनाए गए कश्मीर एकजुटता दिवस का समर्थन करने वाली कार निर्माता कंपनी हुंडई को इस कृत्य के लिए माफी मांगने के लिए कहा गया है। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी द्वारा उठाए गए इस मुद्दे के जवाब में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये मामला कंपनी के समक्ष उठाया गया है और कल ही उसे कहा गया है कि वो इस मामले पर साफ साफ माफी मांगे। This issue has been taken up both with the government and with the company concerned. They've already issued a clarification yesterday. We have also asked them to be more forceful in their unequivocal apology on this issue. और अब खबर केरल से। केरल उच्च न्यायालय ने मलयालम चैनल मीडिया वन टीवी के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली चैनल की याचिका को खारिज कर दिया। सरकार ने जमात इस्लामी के एक प्रमुख सदस्य से जुड़े मलयालम चैनल मीडिया वन के प्रसारण संबंधी लाइसेंस को रद्द किया है। गौरतलब है कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने चैनल को बंद करने का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा है कि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए तथ्यों के आधार पर चैनल के नवीनीकरण को इनकार किए जाने का पर्याप्त आधार है। 2020 में दिल्ली दंगा पर गलत रिपोर्टिंग के कारण 48 घंटे का बैन लगाया गया था। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय जॉय हमारे साथ तिरुवनंतपुरम से जुड़ रहे हैं। अजय, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि क्या कहा कोर्ट ने। Upheld the decision of government of India not to renew the license, or rather the revoking the license of this particular news channel, Malayalam news channel named Media One. Primarily, the contention of the Malayalam channel was that its opinion were not aired before the decision was taken regarding security clearance. But here, the court has clearly observed that in the context of national security, and remarks in that context, it's not required to get the opinion opinion of the other party before arriving at the decision. So court actually referred to an earlier Supreme Court judgment in this line. So primarily, the court has looked into the files and documents related to this particular decision, and it has noted that the intelligence inputs seems justifiable in arriving at this decision. So primarily, the court, although it has given a relief in terms of its working for at least for 1 week, has finally decided to uphold the Ministry of IMB's order right now. सरकार के फैसले को कहीं ना कहीं कोर्ट ने सही ठहराया है। इस पूरे मामले को हम जानना चाहेंगे, क्या था ये पूरा मामला और अपने बचाव में चैनल का क्या कहना था? It started with the uplinking license that has got expired in 2021 September, and after that the channel had applied for renewal. And in January, the channel was issued a show cause notice by Ministry of IMB after receiving input from Ministry of Home Affairs denying security clearance for the channel. So after that, the towards the show cause notice, the channel from their side said, their side was not heard, and only after that a decision can be taken. But then the Ministry of IMB has taken the decision not to renew and or rather the revoking the license. So this was the context in which everything happened so far, and primarily in this decision, High Court, Honorable High Court, Kerala has gone with the decision of Ministry of IMB telling that security clearance is of the larger significant. बिल्कुल अजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। कोर्ट ने कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरी तरह से जो सरकार ने फैसला लिया है और जिस आधार पर सरकार ने फैसला लिया था उसे सही ठहराया है। आगे बढ़ेंगे। अहमदाबाद सीरियल बम धमाके मामले में अहमदाबाद की विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए इस मामले में 49 लोगों को दोषी करार दिया है। वहीं 77 में से 28 आरोपियों को सबूतों के अभाव में निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया। अहमदाबाद में 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में स्पेशल अदालत के जज अम्बालाल पटेल
ने इस मामले में आज फैसला सुनाया। अहमदाबाद में 20 जगह पर हुए 21 ब्लास्ट में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, जिसमें 28 आरोपी 7 राज्यों की जेल में बंद हैं। दोषियों की सजा का ऐलान कल किया जाएगा। इस मामले में सरकारी वकील अमित पटेल ने बताया कि इन सभी आरोपियों के ऊपर धारा 302 और UAPA एक्ट के तहत आरोप लगाए गए। देश में कोविड टीकाकरण तेज गति से चल रहा है। अभी तक 170 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लग गई है। देश की 74% से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। देश पूर्ण टीकाकरण की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत दुनिया का ऐसा देश है जहाँ तेजी से कोविड टीकाकरण हो रहा है। भारत में अब तक 170 करोड़ 21 लाख वैक्सीन की डोज लगी है। इसमें 95 करोड़ से ज्यादा पहली डोज लगी है, वहीं 73 करोड़ से ज्यादा दूसरी डोज लगी है। इसके अलावा 1 करोड़ 45 लाख से ज्यादा प्रिकॉशन डोज लगी है। 15 से 17 साल उम्र के किशोरों को अब तक 5 करोड़ 75 लाख से ज्यादा डोज लगी है, यानी 65% से ज्यादा किशोरों को वैक्सीन की पहली डोज लगी है। पुरुषों को 86 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोज लगी है, वहीं 82 करोड़ से अधिक महिलाओं को कोविड वैक्सीन की डोज लगी है। देश की 96% से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज लगी है, वहीं 76% से ज्यादा वयस्क आबादी को वैक्सीन की दूसरी डोज लगी है। देश के किशोर बढ़ चढ़ कर वैक्सीन लगवा रहे हैं। मैंने आज ही अपना वैक्सीनेशन करवाया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते हम लोगों की पढ़ाई बहुत ही बाधित हो चुकी है। अगर हमें इस कोरोना महामारी से बचना है तो हमें वैक्सीन लेना बहुत ही जरूरी है। मैंने आज कोरोना का वैक्सीन लिया है। वो वैक्सीन से कोरोना का बचाव होता है। आप लोग को भी कोरोना का वैक्सीन जरूर लीजिए। कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगाने से छूट न जाए, इसके लिए स्वास्थ्य कर्मी दूर दराज के इलाकों में जाते हैं। कुछ संस्थान तो बुजुर्गों को वैक्सीन लगाने के लिए उनके घर घर तक पहुँच रहे हैं, ताकि उनको वैक्सीन लगाने में कोई दिक्कत ना हो। केंद्र की तरफ से राज्यों को वैक्सीन मुहैया कराया जा रहा है। अभी भी करीब 12 करोड़ वैक्सीन का डोज राज्यों के पास उपलब्ध है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो कोविड के खिलाफ जंग में तेज रफ्तार से होता हुआ टीकाकरण और मीडिया प्राइम में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नींबू पानी लेगा? अरे कोई ज्वाइन लाओ। अरे ये सब छोड़ो, इनो लो। इनो ये एसिडिटी पे काम शुरू करे सिर्फ 6 सेकंड में। आज मैं ऊपर जब पैर तले से दिन गुजरे सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। जापानी संसद में यूक्रेन पर जारी तनाव पर बलपूर्वक यथास्थिति को बदलने और जापानी प्रधानमंत्री को यूक्रेन और रूस के बीच शांति बनाए रखने के लिए हर संभावित कदम उठाने संबंधी एक प्रस्ताव को स्वीकार किया है। प्रस्ताव में जापानी संसद ने यूक्रेन और रूस के बीच मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। जापान ने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में जापान यूक्रेन के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, जो अपने देश और क्षेत्र के अंदर स्थिरता की उम्मीद की टकटकी लगाए स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। प्रस्ताव में मौजूदा स्थिति में बलपूर्वक बदलाव किसी भी रूप में अस्वीकार है। रूस द्वारा यूक्रेन की सीमा पर 1 लाख से ज्यादा सैनिकों की तैनाती और युद्ध की आशंका के मद्देनजर ये प्रस्तावना जापानी संसद के विजय बैंक चैम्बर में प्रस्तुत किया गया। पिछले महीने जापान के प्रधानमंत्री किशिदा और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन यूक्रेन के खिलाफ रूस की आक्रामकता को लेकर साथ काम करने की इन्होंने प्रतिबद्धता जताई थी और यूक्रेन पर हमले की स्थिति में जापान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर कड़ा कदम उठाने की बात कही थी।
अमेरिका ने रूस को चेतावनी दी है, अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका सख्त कदम उठाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अगर मॉस्को यूक्रेन पर हमला करता है तो वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन को बंद कर देंगे और ये योजना आगे नहीं बढ़ेगी। वॉशिंगटन में जर्मन चांसलर ओलाफ स्कूल्स के साथ बातचीत के बाद बाइडेन ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन योजना को बंद करने की चेतावनी दी। इस बीच फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मॉस्को में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। मुलाकात में ये उम्मीद जताई गई कि युद्ध आखिरी विकल्प नहीं है। रूस के पास वर्तमान में यूक्रेन की सीमाओं पर काफी सैनिक तैनात हैं। और अब खबरें देख लेते हैं खेल जगत से। और खेल जगत की खबरों के लिए गौरव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुक्रिया रमा। और खेल की खबरों की जो शुरुआत करेंगे वो हॉकी की खबर के साथ करेंगे, जहां भारतीय टीम इस साल की शुरुआत अपनी पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग से करने जा रही है। प्रो लीग हॉकी टूर्नामेंट में आज अपने अभियान की शुरुआत टीम फ्रांस के खिलाफ करेगी। ये भारतीय टीम का साल 2022 का पहला अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट होगा। फ्रांस से भिड़ने के बाद मनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली टीम बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम ने टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक हासिल किया था। बात करते हैं क्रिकेट की, जहां भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार को अहमदाबाद में खेला जाएगा। भारतीय टीम ने सीरीज का पहला मैच 6 विकेट से अपने नाम किया था। ऐसे में टीम की नजर दूसरे मुकाबले को भी जीत सीरीज अपना बनाने पर रहेगी। वहीं वेस्टइंडीज की टीम के लिए ये मैच करो या मरो जैसा रहने वाला है। इस बीच KL राहुल, मयंक अग्रवाल और नवदीप सैनी अब टीम के साथ जुड़ गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज को अपना बनाने की चाहत लिए रोहित शर्मा एंड कंपनी कैरबियाई टीम को दूसरे वनडे में भी हार का आईना दिखाने के लिए तैयार है। सीरीज के पहले मुकाबले में टीम ने अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में ओवरऑल बेहतर तस्वीर पेश की। खुद कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में दिखे और 60 रन की पारी खेली। हालांकि विराट कोहली और ऋषभ पंत का सस्ते में आउट होना जरूर टीम को खला, इसमें भी खास तौर पर विराट कोहली का आउट होना। वैसे सूर्य कुमार यादव और दीपक हुड्डा ने जिस तरह से फिनिशिंग दी उससे जरूर टीम को राहत मिली है। गेंदबाजी की बात करें तो यहां युजवेंद्र चहल और वॉशिंगटन सुंदर की फिरकी ने अपनी अहमियत को एक बार फिर से सामने रखा, जबकि तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज भी नई गेंद से प्रभावी दिखे। वेस्टइंडीज की बात करें तो टीम के लिए दूसरा वनडे ही सब कुछ है, क्योंकि अब यहां हारे तो सीरीज हार जाएंगे। वैसे देखा जाए तो पहले मैच में टीम का बैटिंग ऑर्डर बुरी तरह से फेल रहा। जैसन होल्डर को छोड़कर कोई भी बल्लेबाज विकेट पर टिकने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इस टीम को सीरीज में बने रहना है तो सबसे पहले टीम को पूरे 50 ओवर खेलने की आदत डालनी होगी, जो फिलहाल इस टीम के बल्लेबाजों के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है। गेंदबाजी में भी टीम का पैनापन गायब रहा और भारतीय बल्लेबाजों को मुश्किल हो ऐसा दिखा नहीं। वैसे वेस्टइंडीज की टीम को आयरलैंड के हाथों वनडे सीरीज गंवानी पड़ी थी, ऐसे में टीम यहां अब एक और वनडे सीरीज नहीं गंवाना चाहेगी। लेकिन चाहने से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी तो प्रदर्शन से, जो फिलहाल इस टीम के खिलाड़ियों के बल्ले और गेंद दोनों से गायब है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो वाकई एक बड़ा मुकाबला रहने वाला है। अब बात करते हैं अंडर 19 टीम की। वेस्टइंडीज में हाल ही में समाप्त हुए अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम आज स्वदेश वापस लौट आई। टीम ने यश धुल की कप्तानी में इस खिताब को अपना बनाया। भारतीय टीम ने कुल 5वीं बार विश्व कप को अपना बनाया है। इससे पहले टीम साल 2000, 2008, 2012, 2018 में विश्व कप को जीत चुकी है। भारतीय टीम ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की टीम को शिकस्त दी। भारतीय टीम पूरे विश्व कप के दौरान अजय रही और टीम ने दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों को शिकस्त दी। वहीं राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने भारतीय अंडर 19 टीम को क्रिकेट विश्व कप के खिताब पर 5वीं बार जीत हासिल करने पर बधाई दी। वेंकैया नायडू ने कहा कि भारतीय युवा खिलाड़ियों की ये उत्कृष्ट उपलब्धि देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है। By winning the ICC Under 19 World Cup held in the West Indies from 14th January to 5th February 2022 for the record 5th time, the maximum number for any country.
The outstanding accomplishment of our young sportspersons is a matter of great pride for the entire nation. Their unwavering focus, persistent hard work and remarkable dedication, especially during the challenging times due to pandemic, would inspire our budding sportspersons to emulate and improve upon their achievements. बात कर लेते हैं अब टेनिस की, जहां भारतीय टेनिस खिलाड़ी रामकुमार रामनाथन ने एटीपी रैंकिंग की युगल स्पर्धा में शीर्ष 100 में जगह बना ली है। रामकुमार ने ये उपलब्धि हम वतन रोहन बोपन्ना के साथ टाटा ओपन महाराष्ट्र का खिताब जीतने के बाद हासिल की। एटीपी की नवीनतम रैंकिंग में रामकुमार करियर के सर्वश्रेष्ठ 94, जबकि बोपन्ना 8 स्थान के फायदे के साथ 35वें पायदान पर हैं। बात करते हैं फुटबॉल की। पेरिस सेंट जर्मेन ने फ्रेंच लीग में गत चैंपियन लिली को 5-1 से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही पीएसजी की टीम ने मजबूत बढ़त बना ली है। फ्रेंच लीग मुकाबले में डेनिलो परेरा ने 10वें और 91वें मिनट में लिली के खिलाफ 2 गोल दागे, जबकि पर्सनल किम्पे, मेसी और काइलिन अम्बापे ने अन्य गोल किए। लिली के लिए एकमात्र गोल स्वेन बोटमैन ने 28वें मिनट में किया। पिछले सीजन में पीएसजी को लिली से हार का मुंह देखना पड़ा था। तो फिलहाल ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरें, लेकिन बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपनी सहयोगी रमा के पास। धन्यवाद गौरव, तमाम खेल जगत की खबरों की जानकारी के लिए। और इसी के साथ ही मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार। हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। How do I protect nature? Nature takes care of itself. Nature is circular. If we can make our agriculture circular, we don't need fertilizers, we don't need pesticides. Because you put these pesticides, then the pests evolve. Then you need even stronger pesticides. So it's a never-ending cycle of violence and destruction against other species. We need to learn to live in harmony with nature. And what Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Haryana and many other states and Himachal have shown is that it is possible. I am Satya Tripathi, the Secretary General of the Global Alliance for a Sustainable Planet. You can watch me in conversation with Munmun Bhattacharya on DD India. Har din badalti duniya, har pal banti nayi khabrein, khabrein jinse sarokar hai aapko, khabrein जो रोज जगाती हैं आपको, ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत। डीडी न्यूज के साथ नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा
100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश। यूपी में मुद्दों की चोट है, कीमती हर वोट है, वार है, प्रतिकार है, तो इस वक्त तैयार है हर वक्त की हर खबर। इस वक्त में सब पर नजर, देखिए इस वक्त सोमवार से शुक्रवार रोज दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह, और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है, जिनके बारे में आप विस्तार से जानना समझना चाहते हैं, ऐसी खबरें जो देश पर, समाज पर, आप सब पर असर डालती हैं। क्या है इन खबरों का एजेंडा, क्या है इन खबरों के मायने, इन खबरों पर हम बात करेंगे इस वक्त में, चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों से, जुड़ेंगे अपने सहयोगियों से, देखेंगे ग्राउंड सिचुएशन किस तरह से चल रहा है। यूपी में चुनाव प्रचार, बीजेपी ने जारी किया है अपना संकल्प पत्र, क्या कुछ वादे किए हैं जनता से, इसको देखेंगे। साथ ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब, परिवारवाद, आपातकाल, जातिवाद और क्षेत्रवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, इस पर भी करेंगे विस्तार से चर्चा अपने खास मेहमानों के साथ। और ममता बनर्जी के यूपी दौरे के क्या है खास मायने, इस पर भी होगी बात। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या है आज की खबरों का एजेंडा। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया जवाब, परिवारवाद, आपातकाल, जातिवाद और क्षेत्रवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना, कहा अगर कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार ना होता, देश की बेटियों को तंदूर में जलाने की कोशिश ना होती। भाजपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी किया संकल्प पत्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा सरकार ने सभी वादों को किया पूरा, बीजेपी ने सभी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने का किया काम। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार आज होगा समाप्त, इस चरण में 58 सीटों के लिए 10 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों के लिए 623 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। और 2 दिन के दौरे पर ममता बनर्जी लखनऊ में वर्चुअल रैली के जरिए अखिलेश को जिताने की अपील की, 2024 में टीएमसी यूपी में उतारेगी अपने कैंडिडेट्स, राष्ट्रीय राजनीति में कांग्रेस के जगह छीनने के लिए टीएमसी की जद्दोजहद। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर दिए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब जो उन्होंने जिस तरह से दिया। उन्होंने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब दिया है, और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर हमला बोला।
प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई वे लोकतंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न लगता, जातिवाद की खाई न होती, सिखों का नरसंहार न होता। परिवारवाद लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा, पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहले कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी के 75 साल अपने आप में प्रेरक अवसर, यह कहा प्रधानमंत्री ने। कोरोना काल में देश आगे बढ़ता रहा, पिछले 100 साल में मानव जाति ने इतना बड़ा संकट नहीं देखा। कोरोना काल में 80 करोड़ से भी अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन देकर सरकार ने दुनिया के सामने उदाहरण प्रस्तुत किया। कोरोना काल में भारत ने दवाई पहुंचाने के लिए बड़ा काम किया। भारत की लीडरशिप क्षमता की पूरी दुनिया ने तारीफ की, यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उन्होंने कहा कि कोरोना कालखंड में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड पैदावार की, सरकार ने रिकॉर्ड खरीदी भी की। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जवाब दिया है, क्या कुछ कहा है, आइए उनके कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर जब चर्चा का जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि देश में इमरजेंसी जिन्होंने लगाई वे लोकतंत्र पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि अगर कांग्रेस ना होती तो देश पर इमरजेंसी का कलंक ना होता, कांग्रेस ना होती तो जातिवाद की खाई ना होती, कांग्रेस ना होती तो सिखों का नरसंहार भी ना होता। अगर महात्मा गांधी के इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। पंजाब आतंकी आग में न जलता। अगर कांग्रेस न होती तो कश्मीर के पंडितों को कश्मीर छोड़ने की नौबत न आती। अगर कांग्रेस न होती तो बेटियों को तंदूर में जलाने की घटनाएं न होती। अगर कांग्रेस न होती तो देश के सामान्य मानवी को घर, सड़क, बिजली, पानी, शौचालय, मूल सुविधाओं के लिए इतने सालों तक इंतजार न करना पड़ता। और प्रधानमंत्री ने परिवारवाद को लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहले कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। डेमोक्रेसी डिबेट ये भारत में सदियों से चल रहा है और कांग्रेस की कठिनाई ये है, डायनेस्टी के आगे उन्होंने कुछ सोचा ही नहीं, ये उनकी परेशानी है। और पार्टी में जो डेमोक्रेसी की बात करते हैं ना, वो जरा समझे, भारत के लोकतंत्र को सबसे बड़ा खतरा परिवारवादी पार्टियों का है, ये मानना पड़ेगा। और पार्टी में भी जब कोई परिवार सर्वोपरि होता है तब सबसे पहली कैजुअलिटी, जब पार्टी में भी कोई एक परिवार सर्वोपरि हो जाता है तो सबसे पहली कैजुअलिटी टैलेंट की होती है। और प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में 2014 से पहले 500 स्टार्टअप्स, इस 7 साल में 7000 स्टार्टअप्स इस देश में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न्स में इस मामले में दुनिया में टॉप 3 में पहुंच गए हैं। इसी कोरोना काल में आज जब हमारा देश का युवा स्टार्टअप यानी भारत का युवा एक पहचान बन गई है, सिनोनिमस हो गया है, आज हमारे देश के युवा स्टार्टअप के कारण स्टार्टअप की दुनिया में टॉप 3 में हिंदुस्तान को जगह दिला पाई है।
और प्रधानमंत्री के संभाषण पर, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, राज्यसभा में प्रधानमंत्री के जवाब पर आज हमारे संवाददाता राजेश राज इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ और विश्लेषण के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं संसद भवन परिसर से। राजेश, प्रधानमंत्री ने तमाम विविध विषयों की बात की, न सिर्फ जो उनकी सरकार ने किया है उसकी तो बात की, उन्होंने सीधा सीधा कांग्रेस पर हमला बोला और ये बताने की कोशिश की कि कांग्रेस की वजह से देश को कितना नुकसान हुआ। बिल्कुल निखिल, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा से राज्यसभा तक का जो सफर प्रधानमंत्री का रहा कल शाम से लेकर आज तक का, इन दोनों सदनों में अगर हम सीधे शब्दों में बात करें तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के चर्चा का